खबर हम आपको बता दें, विद्युत संघर्ष समिति के आह्वान पर 72 घंटे की जो विद्युत कर्मचारियों ने हड़ताल की है उसके नतीजे भी सामने आने शुरू हो गए हैं। आज यद्यपि उत्तर प्रदेश के सभी जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की किल्लत भी देखी गई और कई जगह फॉल्ट जब हो रहे थे तो काफी देर इंतजार करना पड़ा, लेकिन सख्त एक्शन के बाद, सरकार के सख्त रवैये के बाद और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने इस पर पूरी तरह से खास नजर रखते हुए आज उन्होंने साफ कर दिया है कि प्रदेशवासियों को किसी भी हाल में असुविधा का सामना नहीं करने दिया जाएगा। साथ साथ उन्होंने विद्युत कर्मचारियों को भी, ऐसे संगठनों को भी साफ चेतावनी दे दी है जो कि हड़ताल पर हैं और हड़ताल के साथ वो राज्य की संपत्ति को बाधित करने पर लगे हैं या उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शक्ति भवन में की। शक्ति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ कहा है कि चाहे कोई पाताल में हो या आसमान में हो या जंगल में हो, यदि कोई राजकीय संपत्ति किसी विद्युत उपकरण को क्षति पहुंचाएगा तो उसको ढूंढ निकाला जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत से संगठनों का उन्हें सहयोग मिल रहा है, बहुत से संगठन आकर कह रहे हैं कि वो इस आपात स्थिति में उनके साथ है। इसके साथ साथ उन्होंने उन कर्मचारियों से भी कहा है जिनकी ड्यूटी आपात स्थिति में लगाई दी जा रही है, उन्हें कहा है कि या तो हड़ताल करे या काम पर रहे, और जो हड़ताल पर रहेंगे उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बड़ी बात कही है कि जितनी पगार सरकार से जा रही है सरकारी खजाने से, उतने लोग काम पर मिलने चाहिए, यदि वो काम पर नहीं मिलेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस दौरान ये भी बताया कि 2000 से जब से निगम बना है 93,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है विद्युत विभाग। इसके साथ साथ आज सख्त निर्णय लिए हैं। आइए सुनवाते हैं AK शर्मा जो कि ऊर्जा मंत्री है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। इससे पहले हम ये भी बता दें कि विद्युत संघर्ष समिति ने 72 घंटे की अपनी हड़ताल आज पूरे दिन लागू रखी है। 3 दिन तक ये हड़ताल रहेगी और उनके कई मुद्दे हैं जैसे कैशलेस दिवसों का इलाज, संविदा कर्मचारियों का इलाज और उनके परिजनों का इलाज हो। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 3 दिन तक जो हड़ताल चलेगी उसमें किसी भी यदि कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जाएगा तो ये अनिश्चितकालीन भी हो सकती है हड़ताल, कर्मचारियों का वेतन पूरा मिले और इसके साथ बहुत सी ऐसी मांग है कि उनको नियमित किया जाए, उनको नियुक्ति नियमित की जाए और उनको टाइम स्केल भी समय से लगे। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं लेकिन सरकार की और विद्युत कर्मचारियों की अभी तक वार्ता सफल सिद्ध नहीं नजर आ रही है और सरकार भी सख्त नजर आ रही है। आइए पहले सुनवा देते हैं हम आपको उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने प्रेस वार्ता में क्या कहा, सुने उन्हीं की जबानी। मैं राज्य की जनता को, विद्युत उपभोक्ताओं को, अपने पूरे विभाग की ओर से UPPCL और उसके सभी घटक जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी ओर से राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि विद्युत की व्यवस्था बिल्कुल नियंत्रण में है, बिल्कुल ठीक है। कहीं कहीं स्थानीय समस्याएं आ रही हैं, उनका निराकरण जैसे ही ध्यान में आता है वैसे ही किया जा रहा है, लेकिन सप्लाई और डिमांड और स्थानीय आपूर्ति सारी बातें हमारे संपूर्ण नियंत्रण में है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। जनता से मैं ये भी निवेदन करूंगा कि ये थोड़ी समस्या की घड़ी अवश्य है, चुनौती की घड़ी अवश्य है, ऐसे समय में धीरज और संयम बनाए रखें। हम जल्दी ही इस परिस्थिति से निकल करके और बहुत अच्छे ढंग से निकल करके आएंगे। जनता से एक और निवेदन करना है, जनता से और जनप्रतिनिधियों से विशेष रूप से, कि जो कर्मचारी इस परिस्थिति में सरकार के साथ हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को निभाना चाहते हैं, उनको कोई रोके नहीं, उनको कोई परेशान ना करे, इसका ध्यान स्थानीय लोग, स्थानीय जनता और स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधि भी, MLA हो या MP हो या मंत्रीगण हो, सभी हमारे जो स्थानीय पदाधिकारी होते हैं पंचायतों के, नगर पालिकाओं के पूर्व जो पदाधिकारी हैं, उन सबसे भी मेरा निवेदन है कि उनको सहयोग करें उनका काम करने में। और अंतिम जो बात मैं जनता से कहना चाहूँगा वो ये है
साथ ही हमारे काम में विघ्न डालने वाले लोगों को भी पहचाने, उनसे सतर्क रहे, उन्हें इस तरह के अवसर, इस तरह का काम न करने दें। भरसक कानून अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें जहां तक हो सके वहां ऐसा कोई कृत्य करने से रोके जिससे विद्युत आपूर्ति में बाधा पहुंचती हो। कल रात में कुछ ऐसे हमारे ध्यान में ऐसी वारदातें, ऐसी घटनाएं आई हैं कई जिलों में कि जहां कुछ विद्युत कर्मियों ने ही जा करके तार और हमारे फीडर्स को नुकसान पहुंचाया है, गन्ने का डंठा फेंक करके और कोई लाइन बर्स्ट करने की कोशिश की गई है। मैंने उस फोटो वीडियो को हमने ट्वीट भी किया है। ऐसी घटनाएं अगर होंगी तो कहीं वो व्यक्ति हो, चाहे वो जंगल में हो, देवरिया के किसी जंगल में से लाइन पास हो रही थी, वहां जा करके लाइन को बर्स्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा जंगल में हो, आसमान में हो, पाताल में हो, हम उनको ढूंढ निकालेंगे। जो भी ऐसा कृत्य कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जाएगी और जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई संभव होगी वो की जाएगी। मैं इसीलिए आज हमारे डीजी विजिलेंस जो आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं उनको भी मैंने आज इसीलिए आमंत्रित किया है कि ऐसी घटनाएं जहां जहां हो रही हैं, वो स्थानीय पुलिस तो काम कर ही रही है, लेकिन यहां से भी उस पूरी बात का वो कोऑर्डिनेशन करें कि ऐसी घटनाएं जहां हो रही हैं ऐसे तत्वों के विरुद्ध एक्शन लिया जा सके। हमने संघर्ष समिति से बार बार बातचीत किया, बार बार चर्चा किया और आज भी मैं अपनी पुरानी बात को दोहराना चाहूंगा कि बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखना ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा तरीका होता है। बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन हम किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, नहीं हम किसी को राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान पहुंचाने देंगे। कल रात की एक और दुखद घटना ये है कि एक एसएलडीसी नाम का हमारा जो युवती है वो एक तरह से राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ी हुई वो एक संस्था है, वहाँ भी कुछ लोग हमारे एमडी वहाँ लगभग 11 बजे रात तक स्वयं थे। जैसे ही वो निकले वहाँ काम मुझे पता चला कि ठप कर दिया गया। ये पूरा एक राष्ट्रीय कार्य में बाधा डालने का कार्य है। इसी प्रकार जहाँ जहाँ भी हमारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया जाएगा, हमारे कार्यों में दखल पहुँचाया जाएगा, हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक अच्छी बात और ध्यान में आई है कि कल हमने कुछ संगठनों का नाम लिया था कि वो हमारे साथ हैं, वो जनता की सेवा में उपलब्ध हैं। आज सुबह कई और संगठनों ने थोड़ी हमारे ऊपर नाराजगी व्यक्त की कि साहब आपने हमारा नाम नहीं लिया, हम भी आपके साथ हैं, हम भी जनता की सेवा में लगे हुए हैं। ये संभव है कि बहुत से ऐसे संगठन होंगे जिनका नाम लेना शायद आज भी रह जाए, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि शक्ति भवन मुख्यालय कर्मचारी संघ, राम बहादुर यादव जी उसके पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन श्री के वी राम जी उसके अध्यक्ष हैं, आर पी केन जी उसके महासचिव हैं, विद्युत तकनीकी कर्मचारी एकता संघ अनिल राठौड़ जी, बीमासु कुमार सिंह जी महामंत्री और अध्यक्ष हैं, विद्युत मजदूर पंचायत इनका नाम हमने कल भी लिया था, श्री गिरीश कुमार पांडे जी, पी एन तिवारी जी, बी सी उपाध्याय जी, विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविधा मजदूर संगठन जिसके अध्यक्ष श्री आर एस राय जी हैं, उसके सक्रिय पदाधिकारी हैं, प्रमोटेड पावर इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन श्री प्रमोद कुमार जी, श्री वी के शर्मा जी उसके अध्यक्ष और महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति बिजली कर्मचारी अधिकारी महासंघ श्री राम नरेश गौतम जी उसके प्रधान महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लेखा कर्मचारी संघ श्री आर के सिंह जी उसके अध्यक्ष हैं, और नौवा है विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन श्री बब्बू अवस्थी जी उसके पदाधिकारी हैं वरिष्ठ। इस प्रकार इन 9 संगठनों ने अपना समर्थन चालू रखा है और कई ने तो यहाँ तक आकर के हम लोगों से कहा है कि हम 24 घंटे काम करने को तत्पर हैं, काम में लगे भी हुए हैं। कई लोगों ने ये भी आके कहा कि हम हर तरह से इस हड़ताल का विरोध करते हैं, जहाँ भी हमारी आवश्यकता होगी वहाँ बुलाएंगे आप तो हम आएंगे। उसी प्रकार ऐसी राष्ट्रीय और प्राइवेट
संस्थाओं का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस मौके पे कि उन्होंने अपना मानव बल हमें उपलब्ध कराया है इस हड़ताल से निपटने के लिए। उसमें विशेष रूप से मैं NTPC का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना बहुत बड़ा मानव बल हमें अपने पावर प्लांट्स को चलाने के लिए दिया है। उसी प्रकार NTPC के अलावा बजाज पावर है, प्रयागराज जो टाटा का है, लैंको है, पोसोको है और अन्य भी पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है और इसी प्रकार राज्य के बाहर के अन्य भी ऐसी कुछ कंपनियां जो सरकारी भी हैं, भारत सरकार की हैं या संयुक्त उपक्रम हैं, इस तरह के लोग हमारे साथ हैं और हमें सहयोग कर भी रहे हैं। आगे भी अगर आवश्यकता होगी तो और भी मैन पावर या सपोर्ट दे करके हमें सहयोग करने को तैयार है। जो बात जो मुझे विशेष रूप से अपने कर्मचारी मित्रों से कहना है वो ये कि अगर आप हड़ताल पे हैं तो हाजिरी लगा करके आप गायब मत होइए। मुझे पता चला है कि शक्ति भवन सहित कई कार्यालयों में लोग आ रहे हैं, अपनी हाजिरी रजिस्टर में या जहां भी लगती है वहां लगा रहे हैं और फिर गायब हो जा रहे हैं। ये कोई हड़ताल करने का तरीका नहीं होता है। आप या तो हड़ताल पे रहिए या काम पे रहिए। और मैं सभी अपने अधिकारी मित्रों से भी कहूंगा कि इस बात की वो सुनिश्चित करें इस बात को कि जो व्यक्ति आता है या तो हाजिर है या गैर हाजिर है, दो में से एक ही चीज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आपको चकमा दे रहा हो। उसी प्रकार हमने ये भी स्पष्ट किया है कि कल भी मैंने ये बात कही थी कि जो आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी संविदा के हों या अन्य किसी प्रकार से आउटसोर्सिंग एजेंसी के मार्फत अगर लिए गए हैं तो उनकी जो नियुक्ति का एक ही कारण होता है कि हम आपातकालीन ये व्यवस्थाएं करते हैं, उनकी हाजिरी आवश्यक होती है तभी हम उनको पगार देते हैं। ऐसे तमाम कर्मी जो इस समय सरकारी काम पे नहीं है, जो हमारे काम पे नहीं है, ड्यूटी पे नहीं है, उन्हें निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। उनकी हाजिरी अगर काम पे उनके अपने कार्यस्थल पे नहीं है तो उन्हें उनकी हमें आवश्यकता नहीं है। हम अन्य लोगों से नौजवानों को नौकरी हम देंगे उनकी जगह पे और इस प्रकार हमारा एक और अच्छा काम भी होगा। हमने ये भी कहा है कि आउटसोर्सिंग के जो एजेंसीज हैं उनको जिला मुख्यालय पे जिलाधिकारी के नियंत्रण में उनको लेकर के उनको वहीं बैठाया जाए। जैसे ही जितने लोगों की पगार खजाने में से जा रही है उतने लोग ड्यूटी पे सुनिश्चित होने चाहिए, नहीं तो उनको पहली बात पगार नहीं मिलेगी, दूसरी बात कि उन्हें नौकरी से निकालने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आप सबको मित्रों मैंने कल भी कहा था कि हमने सभी प्रयास किए कि ये हड़ताल की परिस्थिति न आवे लेकिन फिर भी आई है। मैंने जैसा कहा कि जो बोनस हमारा विद्युत निगम पिछले 2020 में जब से निगम बना है, सॉरी 2000 से लगभग 23 साल हो गया इसमें इसका कॉर्पोरेटाइजेशन होने को, तब से लेके अब तक लगभग 93,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। एक्यूमुलेटेड लॉस जो संचित हानि जिसको बोलते हैं, हमारे ऊपर तभी से लेकर अब तक 82,000 करोड़ रुपए का बैंक लोन है। 2018-19 से इन कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया गया था, लगभग 5 साल से बोनस नहीं दिया गया था, उस बोनस को हमने इस साल दिए और इस बात को पॉजिटिव ढंग से सोचे बिना, आर्थिक स्थिति अच्छी कर में सहयोग किए बिना अगर कोई चाहता है कि एक ही साथ पिछले पांच साल का बोनस हमको एक साथ दे दिया जाए तो ये वित्तीय प्रबंधन के हिसाब से मुश्किल है, हो नहीं पा रहा है। हमने कहा कि थोड़ा समय दीजिए, इसमें जब आप पैसा जुटाने में मदद करिए, मार्च का महीना है, राजस्व जुटाने में मदद करिए, राजस्व आएगा पड़ेगा तो हम कर्मचारियों के हित के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी वो लोग इस बात को नहीं समझे। उसी प्रकार से मैंने कल भी कहा था कि 2020 के जो समझौते हुए हैं उनमें भी कई मुद्दों का अमल नहीं हुआ, हमारे स्वयं के समझौते में भी ये बात लिखी हुई है और अभी जो चीज 3 साल से नहीं हुई है उसको और उसके सापेक्ष हमारा अभी 3 महीना हुआ है, आपको इतनी जल्दी होगी हड़ताल करने की, तो ये हड़ताल
मुझे लगता है कि कर्मचारी संगठनों के हित में या कर्मचारियों के हित में नहीं है, बल्कि अन्य कुछ परिबलों से प्रेरित ये हड़ताल है। हमने कुछ जो भी प्रयास हो सकता था वो हमने किया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी, आप सबके समक्ष सारा दृष्टांत है। अंत में राज्य की जनता को मैं चाहे आपूर्ति की दृष्टि से या विद्युत के उत्पादन की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से मैं राज्य की जनता को आश्वस्त करता हूं कि कहीं कोई समस्या नहीं है। कहीं कहीं इस तरह की तोड़फोड़ की वारदातें होने से विद्युत बाधित हो रही है, उनका हम लोग जैसे ध्यान में आ रहा है वैसे हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं। जहाँ तक उत्पादन की डिमांड और सप्लाई की बात है, विद्युत की पावर की, उसमें हम एकदम कंफर्टेबल हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। हमारा अपना उत्पादन भी पर्याप्त है और सेंट्रल ग्रिड से, सेंट्रल पूल से जो हमें लेना मिलता है उसमें भी हमारे पास बहुत अभी गुंजाइश है, हम जो ड्रा कर रहे हैं उसमें। इसलिए मैं राज्य की जनता से को आश्वस्त करते हुए फिर भी ये निवेदन करता हूँ कि ये हमारे लिए थोड़ी चुनौती का समय जरूर है, थोड़ा संयम रखें, हमारा सहयोग करें और हमारे जो कर्मचारी अपना काम करना चाहते हैं उन्हें अपना काम करने में अनुकूलता हो, इस प्रकार वहाँ का स्थानीय थोड़ा समर्थन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही तो कह रहा हूँ कि इसका जिम्मेदार ऐसे कुछ गैर जिम्मेदार संगठन के नेता गण हैं जिनके साथ बातचीत करने के बावजूद, सारी बातें स्पष्ट करने के बावजूद, जो काम पिछले सालों में नहीं हुआ वो भी उनके हित में करने के बावजूद अपनी हरधर्मिता के कारण उन्होंने स्ट्राइक की है। हम उससे निपटने की भरपूर कोशिश करेंगे। अभी वो आंकड़ा अभी देना संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग कारणों से अलग अलग प्रकार की कार्रवाइयां चल रही हैं। हम वो आंकड़ा भी आपके साथ साझा कर देंगे। वो भी ये जैसा मैंने बताया पहले कि ये भी एक डायनेमिक सिचुएशन है, जैसे जैसे कोई परिस्थिति ध्यान में आ रही है वैसे वैसे हम FIR करने की आवश्यकता पड़ती है तो हम ले रहे हैं। कार्रवाई हो रही है, जो लोग, मैंने जैसा कहा कि जो लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, जो लोग राष्ट्रीय परिसंपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, जो लोग जनता के जो अबाधित अधिकार है विद्युत आपूर्ति उसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और होगी भी, बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल आप सुन रहे थे AK शर्मा जो कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दे दी है कि यदि किसी ने राज्य के संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 3 दिन की हड़ताल विद्युत कर्मचारियों की जो कि SC लेवल तक है जारी है। देखना है कि अंजाम क्या होगा, क्या फिर से होगी सरकार की वार्ता या कोई निकलेगा बीच का समाधान।